मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम सभी जानते हैं कि डॉल्फिन एक मछली है और ये इस दुनिया की सबसे फ्रेंडली मैमल में से एक है। हमें पता चला है कि इसे मिलिट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पर एक मछली को डिफेंस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हरेश और आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बॉटल नोज डॉल्फिन को एक एक्सरसाइज के दौरान सी माइंस पर एक मार्किंग डिवाइस के साथ देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक बेलुगा व्हेल नॉर्वेजियन मछुआरों के द्वारा खोजा गया जो कि रशियन नेवी से संबंधित हो सकते हैं। यह एक हार्नेस के साथ देखा गया था जिस पर नॉर्वे के फिशरी डिपार्टमेंट ने कहा कि उस पर इक्विपमेंट सेंट पीटर्सबर्ग लिखा हुआ था, जिसमें एक एक्शन कैमरा के लिए माउंट भी था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेलुगा उन मैमल्स में से है जिनका इस्तेमाल डिफेंस में अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं में कर सकते हैं, जबकि दुनिया भर के आतंकवादियों में कुत्ते और अन्य जानवरों का उपयोग अच्छी तरह से देखा जा सकता है। डॉल्फिन के उपयोग के बारे में काफ़ी कम लिखा गया है। 1960 में ही US नेवी ने माइंस और अंडरवाटर हथियारों और नए सबमरीन का पता लगाने के लिए बॉटल नोज डॉल्फिन और कैलिफोर्निया सी लायंस के साथ काम करना शुरू कर लिया था। यह पता लगाने के लिए कि कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा किस काम को करने लायक बन सकता है, 19 से ज़्यादा मरीन मैमल्स के स्पीशीज़ के साथ टेस्ट लिया गया था, जिसमें कुछ शार्क्स कुछ पक्षी भी थे। और लास्ट में यह डॉल्फिन का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड बायोसोनार था, जिसने उन्हें पानी के नीचे माइंस को ढूंढने में मददगार बनाया, और सी लायंस का अचूक अंडर वाटर विजन जो कि दुश्मन स्विमर्स को ढूंढने में मदद करेगा। और चूंकि यह कोल्ड वार का समय था, सोवियत नेवी पीछे रह जाने का रिस्क नहीं उठा सकती थी। रिटायर्ड कर्नल विक्टर बर्नेट्स, जिन्होंने सोवियत के बाद का मिलिट्री डॉल्फिन ट्रेनिंग देखा था, मैमल्स बहुत पहले से ही US और USSR के बीच कोल्ड वार का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने AFP से कहा, अमेरिकन्स इसे पहले देखते हैं। लेकिन जब सोवियत इंटेलिजेंस को पता चला कि 1960 की दशक में अमेरिकी डॉल्फिन के कार्य को पूरा कर रहे थे, उस समय रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे पर ध्यान देने का फैसला किया। 1965 में सोवियत नेवी ने सी मैमल्स के मिलिट्री का उपयोग का पता लगाने के लिए सेवास्टोपोल के पास कजाचिया बुक्ता में एक रिसर्च फैसिलिटी शुरू की। सोवियत यूनियन के पतन के बाद ये यूक्रेनियन नेवी को सौंप दिया गया और इसके साथ ही सोवियत मिलिट्री डॉल्फिन प्रोग्राम का अंत हो गया। बार्नेट्स कहते हैं कि प्रशिक्षण केंद्र को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया। 2000 में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इसकी डॉल्फिन ईरान को बेच दी गई थी, जिसके चीफ ट्रेनर ने अपने नए महासागरों में अपने शोध को आगे बढ़ाया। यूक्रेनियन नेवी ने 2012 में सेंटर को फिर से इस्टेब्लिश किया, लेकिन मार्च 2014 में यह यूक्रेन के क्रीमिया रीजन पर कब्जा करने के बाद रशियन कंट्रोल में वापस आ गया। अब देखते हैं कि ये किस काम के लिए यूज़ में लाया जाता है। कोल्ड वॉर के दौरान डॉल्फिन का उपयोग बंदरगाह और जहाज़ों के पास संदिग्ध सामानों या व्यक्तियों को स्पॉट करने के लिए किया जाता था, साथ ही सबमरीन्स या पानी के नीचे की माइंस का पता लगाने के लिए भी किया जाता था। बर्नेट्स का कहना है कि सोवियत लड़ाकू डॉल्फिन को दुश्मन के जहाज़ों पर एक्सप्लोजिव लगाने के लिए भी ट्रेन किया गया था और वे ब्लैक सी में छोड़े हुए टॉर्पेडो और डूबे हुए जहाज़ों का पता लगा सकते थे। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2016 में 5 बॉटल नोज डॉल्फिन के लिए 18,000 यूरो पे करके एक असामान्य चर्चा का विषय रहे। अमेरिका अपने हिस्से के लिए सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्थित अमेरिकन नेवी मरीन मैमल्स प्रोग्राम के तहत डॉल्फिन के साथ साथ सी लायंस को भी ट्रेन करता है। अमेरिकन नेवी ने मरीन मैमल रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर 2007 में $14 मिलियन खर्च किए। मिलिट्री डॉल्फिन का उपयोग पानी के नीचे की खानों का पता लगाने के लिए किया जाता है, साथ ही ऑब्जेक्ट रिकवरी और खोए हुए नौसैनिक तैराकों को बचाव के लिए भी किया जाता है। मिलिट्री में डॉल्फिन्स के उपयोग के आसपास की गोपनीयता के कारण अलग अलग उपयोगों की अफवाहें भी हैं। यह दावा किया गया है कि मिलिट्री डॉल्फिन्स को पानी के नीचे माइंस को बिछाने, दुश्मन के लड़ाकों का पता लगाने, यहां तक कि सबमरीन्स को केमिकेज मेथड्स का उपयोग करके डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ट्रेन किया गया है।
यह भी अनुमान लगाया गया है कि डॉल्फिन का इस्तेमाल पॉइजन डार्ट्स और सोनर जैमिंग डिवाइसेस को ले जाने के लिए किया गया है, जिसमें अलग अलग देशों के मरीन मैमल्स के बीच लड़ाई की भी संभावना है। अमेरिकन नेवी कभी भी अपने मरीन मैमल्स को पुरुषों को घायल करने या जहाजों को नष्ट करने में सक्षम हथियार ले जाने के लिए प्रशिक्षित करने से इनकार करती है। हालांकि ये पता चला है कि दोनों गल्फ वॉर्स के दौरान उनका इस्तेमाल किया था, जबकि 11 सितंबर के हमले के बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का सपोर्ट करने के लिए 2003 में बहरीन में सी लायंस को तैनात किया गया था। अब देखते हैं कि उन्हें कैसे ट्रेन किया जाता है। डॉल्फिन का ट्रेनिंग भी उसी पैटर्न में होता है जैसे पुलिस और शिकारी कुत्तों की ट्रेनिंग होती है। उन्हें पानी के नीचे की खानों और दुश्मन तैराकों का पता लगाने के लिए ट्रेन किया जाता है और फिर अपने हैंडलर को रिपोर्ट करते हैं, जो उन्हें टास्क पूरा करने पर मछली जैसे पुरस्कार देते हैं। वेटनेरियन टेक्नीशियन एंड हाईली ट्रेन मरीन बायोलॉजिस्ट का एक फुल टाइम स्टाफ की टीम अमेरिकन नेवी के मरीन मैमल्स की देखभाल करता है। जब डॉक्टरों को जानवरों की देखभाल की ज़रूरत होती है तो वे 2400 घंटे बुलाए जाते हैं। डॉल्फिन और सी लायंस को रूटीन फिजिकल वर्क्स के साथ ड्यूटी के लिए स्वस्थ और फिट रखा जाता है। न्यूट्रिशन और एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन के साथ मैनेजमेंट भी उन्हें अच्छे शेप में रखने के लिए उपयोग किया जाता है। बॉटल नोज डॉल्फिन्स माइंस का पता लगाने के लिए किसी भी मशीन से बेहतर हैं। केन नोहे बे में हवाई यूनिवर्सिटी में मरीन मैमल्स रिसर्च प्रोग्राम के हेड पॉल नस्टिगल कहते हैं वे इसे मशीन की तुलना में बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। नस्टिगल कहते हैं डॉल्फिन तट के करीब विशेष रूप से प्रभावित हो जाती है, जहां दुर्घटनाग्रस्त सर्फ और जहाज यातायात बहुत शोर उत्पन्न करते हैं। मैकेनिकल सिस्टम भी सिग्नल से ओवरलोड हो सकते हैं, लेकिन डॉल्फिन नहीं। ऐसा इसलिए है कि उनका सोनार बहुत अच्छा है, वे बताते हैं। 1990 के मध्य में प्रयोग किए गए नचिकेताल ने बीजे नामक एक निवासी बॉटलनोज डॉल्फिन के साथ इस सेंसिटिव क्षमता का प्रदर्शन किया। नस्टिगाल ने बीजे को स्टेनलेस स्टील, ब्रास या एल्यूमिनियम से बने मेटल सिलेंडर के बीच अंतर रखने के लिए कहा। भले ही उन्होंने 4 इंच लंबी ऑब्जेक्ट्स को 2 फीट कीचड़ में दबा दिया, बीजे उड़ते हुए रंगों के साथ गुजर गए। नस्टिगाल कहते हैं रिसर्चर्स को अभी भी नहीं पता है कि डॉल्फिन यह कैसे करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने दशकों तक मिलिट्री और सिविल साइंटिस्ट का ध्यान खींचा है। नस्टिगाल का कहना है कि कैलिफोर्निया के सी लायंस और बॉटलनोज डॉल्फिन दोनों ही काफ़ी स्मार्ट और बहुत ट्रेन करने लायक हैं। सी लायंस को भी एमपीबीएस होने का फ़ायदा होता है, इसलिए अमेरिकन नेवी ने और भी दूसरे सी मेमर्स जैसे कि किलर व्हेल्स या बेलुगा के बजाय उनका उपयोग करना बंद कर दिया, जिसे उन्होंने शुरू में भी देखा था। तो दोस्तों, ये था आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो डॉल्फिन्स के मिलिट्री उपयोग के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और एक ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।